आशीषा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। सबसे पहली रिपोर्ट सीमेंस पर आई है, जहां नोमूरा ने सीमेंस को डाउनग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस रखा है 3,008 रुपीज़ प्रति शेयर का। उन्होंने कहा कि शार्प रैली जो हमने देखा सीमेंस में उसके बाद उनका आउटलुक इस पर्टिकुलर स्टॉक पर कॉशियस है और उन्होंने कहा कि ऑर्डर इनफ्लो में शायद वीकनेस देखने को मिल सकती है और इसीलिए नोमूरा ने अभी के लिए स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है और 3,000 रुपीज़ पर शेयर का टारगेट दिया है। दूसरी रिपोर्ट SBI लाइफ पर आई है सिटी से, जहां उन्होंने 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट रखा है SBI लाइफ को। उन्होंने कहा कि मार्केट शेयर गेन्स कंपनी एंजॉय कर सकती है नवंबर से जनवरी के पीरियड में। इसी के चलते वॉल्यूम्स में भी एक ट्रैक्शन देखने को मिला, कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे और उसी के चलते अभी के लिए कंपनी ने सिटी ने SBI लाइफ को 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच लिस्ट पर रखा है। दूसरी रिपोर्ट आई है एक्सिस पर JP Morgan की, जहाँ उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 990 रुपीज़ पर शेयर का। याद रखें, एक्सिस ने एनालिस्ट डे मीटिंग कंडक्ट की थी और उन्होंने उसी के चलते ये रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइज स्ट्रेंथ अभी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, स्टेबल परफॉर्मेंस कंपनी डिलीवर कर सकती है और बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स करीब करीब 1.8% के आसपास रह सकता है और इसीलिए अभी के लिए उन्होंने ओवरवेट रेटिंग रखी है एक्सिस बैंक पर और टारगेट प्राइस दिया है 990 रुपीज़ पर शेयर का। पेटीएम पर भी एक रिपोर्ट आई है, जहां सिटी ने अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 1,055 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि पेटीएम ने अपने पियर्स से कंपेयर करें तो मार्केट शेयर गेन्स एंजॉय किए हैं और एक्टिव कंज्यूमर कस्टमर बेस में भी एक अक्रिशन दिख रहा है। इसी के चलते अभी के लिए उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 1,055 रुपीज़ पर शेयर का। PVR पर भी एक रिपोर्ट आई है, जहां बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 2,405 रुपीज़ पर शेयर का टारगेट रखा है। उन्होंने कहा कि बिजनेस मोमेंटम में काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, Q3 स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रह सकता है, मूवी पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसी के चलते खरीदारी की राय रखी है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने PVR पर 2,405 रुपीज़ पर शेयर के टारगेट के साथ। और लास्ट में सिप्ला पर भी एक रिपोर्ट आई है, जहां HSBC ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, टारगेट दिया है 1,340 रुपीज़ प्रति शेयर का। उन्होंने कहा कि US आउटलुक अभी भी इंटैक्ट है। याद रखें, गोवा फैसिलिटी के ऑब्जर्वेशंस के चलते ये रिपोर्ट आई है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 1,340 रुपीज़ पर शेयर का सिप्ला पर टारगेट रखा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स जो कि आशीष आपको बता रही थी। इसके अलावा कुछ आज ट्रेडिंग कॉल्स के लिए हाथ से आपको कहाँ पर नज़र रखनी है, ये कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ हम आपके सामने लिए हमेशा की तरह लेकर आते हैं। और आज जो कॉल्स हमें मिल रही है, इसमें ज़्यादातर कॉल्स में खरीदारी करने की ही राय है। एंजल वन ने ICICI बैंक में खरीदारी करने की राय दी है 956 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस 923 का सुझा रहे हैं। और कल L&T में हमने देखा आज आखिरी कुछ 15 मिनटों में शानदार तेजी देखने को मिली थी। आज यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय 2100 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 2018 का। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से टेक महिंद्रा पहला कॉल है इनका, 1108 के लेवल्स, 1044 का होगा स्टॉप लॉस। और बिरला सॉफ्ट में भी खरीदारी करने की राय ये दे रहे हैं 330 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस 286 का। क्वांटिफाई की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं, उसमें इंफोसिस पहला है इनका बाय कॉल 1650 के लेवल, स्टॉप लॉस 1610 का सुझा रहे हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इनकी खरीदारी करने की राय 175 के टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 168 का। मोतीलाल ओसवाल ने भी अपने दोनों ही स्टॉक में खरीदारी करने की राय दी है। पहला है HDFC, 2800 के लेवल्स के लिए खरीदारी करके चलिए, स्टॉप लॉस है 2650 का। और कल का निफ्टी का टॉप गेनर अपोलो हॉस्पिटल, यहां पर भी खरीदारी करके चलिए, 5000 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस 4700 को देख रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर ने L&T में एक और बाय कॉल आ रही है यहां पर L&T पर, यहां पर भी खरीदारी करने की राय 2150 के लेवल्स के लिए। और REC है इनका अगला बाय कॉल 107 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 100 रुपए का। तो आज हम देख रहे हैं कि कल की जो गेन्स हमने देखे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा, वो आज भी कंटिन्यू रह सकता है। और इसमें IT स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स काफी पसंद आ रहा है। इसके अलावा L&T और अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स पर भी आप नजर रखिए, कल की जो तेजी है वो आज भी कंटिन्यू रह सकती है। तो ये है आज के टॉप ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने हमने रखे, ज्यादातर कॉल्स में खरीदारी करने की ही राय।